स्वागत है आप सभी का एसीपी नेटवर्क में। मैं आपके साथ कीर्ति गावा। तो नजर डालते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। बालिका वधू के शिव सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे सिर्फ 40 साल के थे। सिद्धार्थ के परिवार ने पुलिस को बताया कि रात लगभग 3 से 4 बजे उन्हें सीने में दर्द हुआ था। सुबह फिर उन्हें सीने में दर्द की शिकायत की और पानी मांगा। पानी पीते पीते वह अचानक बेहोश हो गए। उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि सिद्धार्थ अब नहीं रहे। सरकार ने कहा त्योहारों में लापरवाह ना हो, कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई। केंद्र सरकार ने फेस्टिव सीजन से पहले एक बार फिर कोरोना को लेकर लोगों को आगाह किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोग त्योहारों के दौरान भीड़ वाले कार्यक्रमों में जाने से बचें। अगर किसी समारोह में जाना जरूरी हो तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन के बाद ही जाएं। घर पर त्योहार मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में जिहाद की बातें कर रहा अलकायदा। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाते ही आतंकवादी संगठन अलकायदा ने इस्लामिक लैंड्स को मुक्त करने के लिए ग्लोबल जिहाद का आह्वान किया। इसमें कश्मीर का भी जिक्र था। अलकायदा के बयान में कश्मीर का जिक्र रहा, लेकिन चेचन्या और शिनजियांग का नाम हटा दिया गया। दोनों नाम हटाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लिखी थी। तालिबान ने कहा मुल्क चलाने के लिए हम चीन से पैसा लेंगे, वह हमारा अहम सहयोगी। अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर हैं, क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया था। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। अफगानिस्तान के करीब 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा पर चीन की नजर है। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% OBC आरक्षण लागू। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई है उनमें रोक जारी रहेगी। यह रोक PG नीट 2019-20, PSC मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर है। अब तक के लिए बस इतना ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते व सुनते रहिए एसीपी नेटवर्क पानीपत।